नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैडमिंटन खिलाड़ी परुपल्ली कश्यप के बारे में। परुपल्ली कश्यप का जन्म 8 सितंबर 1986 को हैदराबाद में उदय शंकर और सुभद्रा शंकर के घर हुआ था। उनका पालन पोषण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। उनकी एक बहन है जिसने कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, अब हम परुपल्ली कश्यप के खेल सफर के बारे में बात करेंगे। 11 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने बैडमिंटन को एक मनोरंजन खेल के रूप में खेलना शुरू कर दिया था। शुरुआत में कश्यप ने बैडमिंटन की ट्रेनिंग SMRF के प्रशिक्षण केंद्र से ली, लेकिन अपने पिता के रेगुलर ट्रांसफर होने के कारण वह खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, जिसके चलते वह बेंगलुरु में प्रकाश पदुकोण बैडमिंटन अकादमी में शामिल हुए। कुछ समय बाद वर्ष 2004 में वह अपने परिवार के साथ बेंगलुरु से हैदराबाद लौट आए, जहां उन्हें पता चला कि वह अस्थमा की बीमारी से ग्रस्त है, जिसका उन्होंने इलाज करवाया। दवाइयों के उचित उपचार से वह जल्द ही ठीक हो गए और हैदराबाद स्थित गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया। दोस्तों, वर्ष 2005 में परुपल्ली कश्यप ने नेशनल जूनियर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लड़कों का एकल खिताब जीता और वर्ष 2006 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए उनका चयन हुआ। उसी वर्ष बिटबर्गर ओपन में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से वह सेमीफाइनल तक पहुंच गए। इसके बाद उन्हें वर्ष 2006 में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। वर्ष 2012 में वह पुरुषों के एकल खेल में ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने, जिसके बाद वह 19वें रैंक पर पहुंचे। दोस्तों, अब हम उनके द्वारा अर्जित पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। वर्ष 2010 में न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता। वर्ष 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं उनकी हॉबीज के बारे में। उन्हें गाने गाना और सुनना बहुत पसंद है। सूत्रों के मुताबिक कश्यप बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया नेहवाल से विवाह करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।